हेलो दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक नए क्वेश्चन के साथ आए हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। हम पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई की पावर टेन इनवर्स एक्स क्यूब अपॉन में वन प्लस एक्स के पावर सिक्स। देखने में क्वेश्चन तो बहुत ही हार्ड लग रहा है, पर बहुत ही आसान है। बस आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। देखिए, कुछ सोचिए, अगर आपको tan इनवर्स x का फार्मूला मालूम है, d बाई डी एक्स मालूम है, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए सबसे पहले इसको मान लेते हैं t, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हम अप्लाई करेंगे, तो tan इनवर्स x क्यूब इज इक्वल टू क्या है, t, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होता है, tan इनवर्स का सिर्फ बताइए, tan इनवर्स x का d by d x क्या होता है, 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। अगर यहाँ पे x क्यूब है तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 1 प्लस x के पावर 6, और फिर इसका 3 किसका, इसका भी होगा किसका, चूंकि यहाँ पे tan इनवर्स x नहीं है, यहाँ फंक्शन में फंक्शन जुड़ा हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, x क्यूब का 3x स्क्वायर, यहाँ पे dx इक्वल टू dt, ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए, x स्क्वायर 1 प्लस x के पावर 6 ये तो मिल रहा है, ये 3 नहीं मिल रहा, तो 3 को उधर भेज देते हैं, तो x स्क्वायर dx अपॉन में 1 प्लस x के पावर 6, यहाँ पे dx इक्वल टू dt बाई 3। अब देखिए, dx x स्क्वायर 1 प्लस x के पावर 6 को क्या मान लिए हमने, यहाँ पे पूरे को हम dt बाई 3 लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले e के पावर क्या हो जाएगा, t, ठीक है, e के पावर t, x स्क्वायर 1 प्लस x के पावर 6 dx को क्या लिख सकते हैं, dt बाई 3। कितना आसान क्वेश्चन हो गया, e के पावर t का आपको क्या इंटीग्रेशन नहीं मालूम है, इजी से आप कर सकते हैं, e के पावर t का, e की पावर t हो जाएगा 1 बाई 3 बाहर आ जाएगा प्लस c। अब यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए, t की वैल्यू क्या माने हैं, t की वैल्यू है tan inverse x cube plus c, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। बस कुछ करना नहीं था, यहाँ क्या है, सब्स्टिट्यूशन हम यूज कर रहे हैं, कैसे रिप्लेस करके, कैसे थिंक करके हम क्वेश्चन को इजी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बस यही मेथड आपको लगाना है, क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस आपको सोचना था यहाँ पे किस तरीके से हम अप्लाई करें। चलिए एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सेकेंड जो क्वेश्चन है हमारा, सेकेंड क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, वन प्लस यहाँ पे एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स, ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है। देखने में तो क्वेश्चन क्या लग रहा है, बहुत ही आसान लग रहा है कि इसको तो तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ऐसा कॉमन ले, देखिए कुछ ऐसा कॉमन ले लेते हैं कि एजी से हमारा क्या हो सके, सॉल्व हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, एक्स रूट में एक्स क्या लेंगे, बाहर कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, कॉमन, तो यहाँ पे रूट एक्स हम बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जरा सोचिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट में एक्स क्या हो जाएगा, रूट में एक्स और यहाँ पे प्लस वन, ठीक है, ठीक है, आप इतना समझ लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा आप कैलकुलेशन करेंगे तो रूट एक्स का मतलब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम ये कॉमन लिए तो यहाँ रूट एक्स प्लस वन बचा। अब क्या करिए, इसको मान लीजिए टी, एक्स प्लस वन को क्या मान लीजिए, टी, जब इसको टी मानेंगे, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, रूट एक्स का कुछ इस तरीके से डिफरेंशिएशन, वन का जीरो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वन बाई रूट में एक्स डी एक्स, इसको टू को क्या कर लीजिए, उधर भेज दीजिए, इधर क्या है भाग है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन टू डी टी। अब यहाँ पे देखिए, ये वन बाई एक्स इंटू डी एक्स क्या है हमारा, टू डी टी,
तो यहां सबसे पहले जो माने हैं उसको क्या कर लीजिए, इसको माने हैं क्या टी, और यहां पे क्या हो गया पूरा टू डी टी, इसके बदले क्या हो गया टू डी टी, टू को बाहर ले लीजिए वन बाई टी कर लीजिए और डी टी, वन बाई टी क्या होता है लॉग टी, ठीक है। तो यहां इसका आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन टू लॉग टी प्लस सी, टी की वैल्यू क्या है रूट में एक्स प्लस वन, ठीक है। यहां तो फाइनल आंसर आ जाएगा लॉग रूट में एक्स प्लस वन प्लस सी, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बस आपको कॉमन लेना आना चाहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आप वीडियो को पूरा देखिए, जहां भी कुछ डाउट लगे आपको कमेंट जरूर करिए वीडियो को। एक क्वेश्चन है तीसरा, हम क्वेश्चन देखेंगे, e के पावर x, 10 के पावर x, 2 के पावर 2 x dx। क्वेश्चन देखने में तो बहुत क्या लग रहा है, कॉम्प्लेक्स लग रहा है, पर बहुत ही आसान है। थोड़ा सा इसमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। चलिए इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन e के पावर x, अब देखिए 2 के पावर 2x है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर x 2x है, यानी 2 दुनी 4x लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 दुनी 4 x का पावर पावर ही रहेगा। अब देखिए ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे e के पावर x, तो ये क्या हो जाएगा 40x, 40 के पावर x dx, ठीक है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको भी लिख सकते हैं यहाँ पे 40 के पावर x लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं dx। अब ये फार्मूला है आपका e के पावर x जो हम पढ़ते आ रहे हैं, ax अपान में log a, e बेस a लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इजीली से इसका इंटीग्रेशन जो हो जाएगा 14a, हमारा जो ऊपर का पार्ट है, ठीक है, 14a, ठीक है, यहाँ पे पावर x अपान में log 40a, तो ये प्लस c, ये हमारा जाके फाइनल आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे घातांक के रूल देखने होंगे जो कि हमने यहाँ पे अप्लाई किए, और ये a पावर x का फार्मूला होता है उसी पे हमने ये क्या कर लिए रख दिए, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, अगर हमारी वीडियो थोड़ी सी हेल्प करती है तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।